Hello friends, welcome to the class of maths, the finest and easiest way to learn the concept of maths. So without wasting any time, let's get started. So friends, today we are going to learn the concept of the sector of the circle. Uska matlab hota hai vruthkhand. To start karte hain. Sector of सर्कल. व्हाट इज़ द सेक्टर ऑफ सर्कल? तो हमें पता है कि कोई भी एक सर्कल होता है उसका कोई ना कोई एक सेंटर होता है. सेंटर को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, और उसकी एक रेडियस होती है और दूसरी रेडियस ये होती है. ठीक है, तो ये तो रेडियस और ये जो चाप है, ठीक है, तो दो रेडियस और चाप से बना हुआ जितना भी एरिया है तो ये एरिया कहलाता है वृत्तखंड. क्या कहलाता है? उसी को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर बोलेंगे. सेक्टर ऑफ द सर्कल. क्या बोलेंगे? सेक्टर ऑफ सर्कल. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये पॉइंट में 12.2 में हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जितना भी रीजन है ये रीजन का एरिया निकालना है. ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन कैसा आएगा? हमें एक सर्कल दिया है, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होगा और यहाँ से इस तरह से रेडियस होगी, रेडियस को हम आर से डिनोट कर रहे हैं. ठीक है, और हमें पता है कि ये जो आर्क है ये क्या है? आर्क है. ठीक है, ये छोटी आर्क है और ये वाली जो है ये बड़ी आर्क है. अगर यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ओ और यहाँ पे नाम दिया ए और यहाँ पे मैं नेम से डिनोट कर दे रहा हूँ बी, तो ओ ए बी ये रीजन मुझे क्या करना है? कवर करना है, उसका एरिया मुझे फाइंड करना है. ठीक है, तो ये एरिया फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे एक थीटा एंगल बनता है. ठीक है, ये आर्क जो है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 60 डिग्री. ठीक है, इस तरह से आपको 45 डिग्री, इस तरह से आपको एग्जांपल में आपको दिया होगा. और ये जो रेडियस है वो रेडियस भी क्वेश्चन में गिवन होगी. ठीक है, तो रेडियस और एंगल का हेल्प लेके हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला? हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का. एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का. तो आपको ये याद रखना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, पाई का वैल्यू हमें पता ही है, 22/7 लेना है, और आर जो है आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है जो एरिया रिलेटेड टू वृत्तखंड, दैट इज सेक्टर, वो है. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखने से पहले मैं आपको और एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ. जैसे कि अगर क्वेश्चन में आपको पैरीमीटर दिया होगा, ठीक है, सिंपली रेडियस नहीं दिए गए उन लोगों का, अगर तो पैरीमीटर दिया होगा. पैरीमीटर क्या होता है सर्कल का? सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है और सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2πr होता है. फॉर एग्जाम्पल दे दिया है 30 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर है. 2 कॉन्स्टेंट है, पाई का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और रेडियस हम इस तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें ये 30 दिया है, पाई का वैल्यू हमें रखेंगे, 2 तो कांस्टेंट है, तो आर को सब्जेक्ट बना के हम क्या निकाल सकते हैं? रेडियस निकाल सकते हैं. और वो रेडियस का यूज़ करके हम बाद में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के फॉर्मूले में आर रखेंगे और थीटा रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ द सेक्टर मिल जाएगा. तो मैंने अभी तक आपको दो कॉन्सेप्ट बता दिए. ये दो कॉन्सेप्ट वैसे ही कैसे भी उन लोग ट्विस्ट करेंगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं. क्वेश्चन पे मूव करने से करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर
इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या फाइंड करने का बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने का बोला है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया है। तो जो जो जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गिवन डेटा लिखते जाओ, 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और एंगल ऑफ सेक्टर मैंने अभी आपको बताया कि जो एंगल एंगल वर्ड यूज हो रहा है एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है, वो 60 डिग्री दिया है, सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करने का बोला है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने का बोला, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का बोला है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज थीटा अपॉन 360 into π r square, ठीक है। तो देखो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, एक तो थीटा चाहिए और एक आर चाहिए, बाकी पाई और 360 तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो थीटा भी मिल गया है, आर भी मिल गया है, तो इस हिसाब से अंदर वैल्यू रखते हैं तो आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 into π r square, थीटा के वैल्यू 60 दिया हुआ है, ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 लिया हुआ है और आर जो है आपको 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका सिंपली आप सिंपलीफिकेशन करोगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना है आपको यूनिट्स लिखना भूलना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं जिसमें आपका आधा मार्क कट हो जाता है। तो मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ आपको बता दे जाऊँगा ताकि आप फुल मार्क्स गेन कर सको। एरिया की बात की है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और यू कैन से मीटर स्क्वायर, ठीक है, जो जो आपको दिया होगा सेंटीमीटर दिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखोगे, और पैरीमीटर की बात करोगे तो सेंटीमीटर या तो फिर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, क्वेश्चन चेंज हो गया है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें सर्कमफेरेंस दिया है, क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया है, और सर्कमफेरेंस मतलब हमें पता है पैरीमीटर होता है, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, देखो अभी वर्ड चेंज हो गया, पहले उन लोग वर्ड यूज़ करते थे सेक्टर, तो तुरंत पता चल जाता था कि थीटा अपॉन 360 into π r square का फॉर्मूला हम लगाएंगे, बट यहाँ पे कुछ वर्ड चेंज हो गया है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसको गौर से देखने की जरूरत होगी, मैं समझाऊंगा आपको आगे क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहले हमें जो गिवन डेटा है वो हम लिखते हैं, तो गिवन डेटा क्या है कि 22 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया है, और हमें पता है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2π r, 2π r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि 2π बराबर 22 सेंटीमीटर है, 2 कॉन्स्टेंट है, पाई का वैल्यू 22/7 रखा है, r को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने r तो फाइंड कर लिया, अब हमें आर थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का। तो चलो मैं आपको क्वाड्रेंट का पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है आपका सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कोई ना कोई यहाँ पे रेडियस रहता है और यहाँ पे इस तरह का थीटा एंगल बनाएगा, और ये जो एरिया कवर करता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। बट यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात की, क्वाड्रेंट मीन्स व्हाट, अगर मैं यहाँ पे वापस एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और ये सर्कल को 4 भागों में डिवाइड करता हो, तो ये जो हर एक भाग बन रहा है, हर एक पार्ट बन रहा है, ये हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्यों क्वाड्रेंट कहलाएगा, क्वाड्रेंट एज वी आर नोइंग दैट क्वाड्रेंट का यूज कब होता है, चौथाई भाग का, फोर्थ पार्ट, 1/4th पार्ट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका ये जो पार्ट बन रहा है ये, ठीक है, ये चौथा भाग है पूरे सर्कल का, ये भी चौथा भाग है, चौथा भाग फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल कितना बन रहा है, उन लोग के क्वेश्चन में एंगल नहीं दिया है बट हमें दिमाग लगा के पता करना है, ठीक है, ये जो है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, क्वाड्रेंट का एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो थीटा 90 डिग्री ले लेंगे, और ये एरिया इनडायरेक्टली उन लोग ने ये एरिया फाइंड करने का बोला है हमें, कौन सा एरिया फाइंड करने का बोला है, ये एरिया फाइंड करने का बोला है, ठीक है। तो हमें पता चल गया अभी हमें करना क्या है, तो वी नो दैट फॉर द क्वाड्रेंट एरिया थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, थीटा पता चल गया। अब एरिया की बात करते हैं, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, अगेन फॉर्मूला सेम लगेगा, थीटा अपॉन 360 into π r square, थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, ठीक है, और 360 कांस्टेंट है आपका, 22/7 पाई की वैल्यू रहेगी, और आर आपका होगा, अभी हमने आगे फाइंड किया 7/2 सेंटीमीटर। इस हिसाब से आप अगर कैलकुलेशन करोगे सिंप्लीफिकेशन तो 77/8 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो एकदम बेसिक थे, थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें तो पढ़ते हैं पहले थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द मिनिट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्लॉक की बात आ रही है, तो पहले मैं चलो आपको क्लॉक की बात करता हूँ, ठीक है। तो क्लॉक कैसी होती है, इस तरह से राउंड क्लॉक, ऐसे तो स्क्वायर भी होती है, बट बेसिकली हम सर्कल के फॉर्म में क्लॉक है ऐसा मान के आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि सिंपली यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। सेंटर में यहाँ पे एक सर्कल होता है, ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मुझे 3 बजे रहते हैं, 3 o'clock होता है, तो ये मिनट हैंड 12 पे होता है और यहाँ पे हवर हैंड जो है वो 3 पे होगा एग्जैक्टली, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है कि 3 बजे हुए, 3 o'clock हुआ है ऐसा दिया नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए 3 o'clock है ऐसा समझ सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो ये जो मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये हमें पता है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा तो ये मिनट हैंड जो है वो आगे आएगी, मतलब यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड है वो जब 1 पे आ जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मिनट्स कवर हो गया, मतलब 5 मिनट हुए, 3 बज के 5 मिनट हुए ऐसा हम बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये 5 मिनट के दौरान ये मिनट हैंड ने कितना एरिया कवर किया, ये जो एरिया कवर होगा वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगेन मैं आपको एक न्यूली फिगर बता देता हूँ, ठीक है, कि जिसमें यहाँ पे आपका एक मिनट हैंड है और यहाँ पे आपका ये हवर हैंड है और यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब हैंड है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, इमेजिन करो कि जब यहाँ पे आएगा, तो ये पहली वाली सिचुएशन है और ये बाद वाली सिचुएशन है 5 मिनट के बाद, तब कोई ना कोई वो एंगल बनाएगा, थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया कवर किया है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब मेन बात आती है कि कितना एंगल कवर करेगा, ये एंगल हमें दिया नहीं है, एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली रेडियस का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये जो है आपका वही रेडियस होगा 14 सेंटीमीटर, बट जो टेंशन है वो थीटा कितना होगा वो ढूंढने के लिए है। तो हमें पहले पता करना होगा, उसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आप देख सकते हो कि ये जो यहाँ पे अपना क्लॉक है, ये मिनट हैंड और ये आपका हो गया हवर हैंड। अगर ये मिनट हैंड है और यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसने पूरा सर्कल कवर कर लिया, एक बार पूरा सर्कल घूमा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 360 डिग्री का एंगल कवर किया, कितना एंगल कवर किया उसने 360 डिग्री का एंगल कवर किया। तो जब यहाँ पे थी ये मिनट हैंड जो यहाँ पे है, वो यहाँ से लेके पूरा कवर करके वापस यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उसने 360 डिग्री का एंगल कवर किया। तो कितनी मिनट्स होते हैं, हमें पता है कि भाई यहाँ से वापस यहाँ पे आ जाता है तो 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट हो गए ऐसा हम बोलते हैं ना, कि जब ये वाला यहाँ से वापस यहाँ पे आएगा तब 60 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट होते हैं, ठीक है, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, तब एंगल कितना कवर होता है, 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। कितना एंगल कवर होता है, 360 डिग्री का एंगल कवर होता है, बट हमें तो कितना डिस्टेंस कवर करना है, हमें तो ओनली 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करना है, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मिनट्स, ठीक है। तो 5 मिनट्स के लिए कितना एंगल होगा, ठीक है, तो ये आपको किस तरह से लिखना पता चल गया, अगेन मैं वापस लिख रहा हूँ, 60 मिनट्स के लिए 360 डिग्री का एंगल, तो 5 मिनट्स के लिए कितना एंगल, ठीक है। तो ये हम छोटे स्टैंडर्ड में थे तब इस तरह सा फॉर्मूला बनाते थे, तो इसमें क्या होगा, 5 का 360 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5 × 360 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो 6 कैंसिल आउट हो गया,
सिक्स, 36 सिक्स से कटेगा और सिक्स फाइव से कितना होगा 30 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो गया, 30 आ गया आंसर। आंसर कितना आया 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट होगा ना तो कितना एंगल कवर करेगा वो, 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। ठीक है, कितना एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री का एंगल कवर करेगा। आई होप मैंने एकदम बेस्ट आपको बेसिक लेवल से समझाया, ठीक है, तो आपको एकदम कवर हो गया होगा। ठीक है, तो थीटा डायरेक्टली यहाँ पे आपको पता चल जाता है 30 डिग्री का होगा। देखो ये 6 डिग्री मल्टीप्लाई 5 किया है, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा बट मैंने मेरे हिसाब से समझाया वो एकदम इजीएस्ट वे है। ठीक है, तो 30 डिग्री एंगल कैसे आ गया पता चल गया आपको। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया। अब एरिया स्वैप्ट, मतलब एरिया स्वैप्ट मतलब क्या, एरिया कवर। ठीक है, वर्ड्स थोड़े अलग यूज किए तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया कवर्ड। ठीक है, एरिया कवर्ड इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जिसमें अगेन थीटा अभी हमने फाइंड किया है 30 डिग्री, 360 कांस्टेंट, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7, आर जो कि लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, तो दो बार आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो सिंप्लीफिकेशन करोगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा 154 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन यहाँ पे सेंटीमीटर के फॉर्म में सब चीज़ दिया है इसलिए हमारा एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर।